हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। DSSSB की तरफ से जो है 25,000 वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। उससे पहले ही जो है कई नियमों में बदलाव किया गया है। तो कौन कौन बच्चे जो है इससे प्रभावित होंगे, सबसे ज़्यादा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है ये दिल्ली गजेट जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 25,000 से भी अधिक वैकेंसी है PRT, TGT और PGT की। लेकिन TGT के जो स्टूडेंट हैं वहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट हमें सब्जेक्ट में देखने को मिला है। और इसके अलावा उम्र जो है TGT, PGT और PRT तीनों में ही जो है 30 वर्ष जो है उम्र कर दी गई है। बाकी चीज़ें हम देखते हैं। संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ क्या है, आज जो गजट ये जारी किया गया है तो इस भर्ती नियम से जाना जाएगा। ठीक है, इस नियम से जाना जाएगा यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भर्ती नियम 2023 इसको कहा जाएगा। तो इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस में बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो है वो एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यानी आज जो गजट में जो चीज़ें मेंशन है इसी के तहत जो है वो आगे भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा, आपके एग्ज़ाम का आएगा। ठीक है, तो सारे नियम जो है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस। पोस्ट कितनी है, 24,939 पोस्ट हैं। उसके बाद हम अगर पे लेवल की बात करें तो पेमेंट काफ़ी अच्छा है, 44,000 से अधिक जो है वो मिलता है, 1,00,000 तक जो है सैलरी यहाँ पर रहेगी। चेंजमेंट जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, एज लिमिट, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप देखते हैं नोट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल तक के बच्चे, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 30 साल तक के बच्चे जो हैं इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलता है, कितना मिलता है, अभी ये चीज़ जो है वो नोटिफिकेशन जब आएगा आपका एग्ज़ाम का तो उसमें पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये तो कर दिया है इन्होंने कि जनरल की 30 साल जो है वो रहेगी। बाकी SC ST हैं, वोमेन हैं, इनको, OBC को इनका कितना जो है वो मिलता है एज रिलैक्सेशन, तो ये हमें आगे जाके पता चलेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने कर रखा हो। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि सब्जेक्ट जो है वो आपने 2 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो बैचलर्स जो डिग्री में, आपने 2 साल तो पढ़ा ही हो। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री जो है यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कहा गया है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी कहा गया है कि मास्टर डिग्री के साथ 50% मार्क्स। और भी ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर 4-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री ऑफ BLED, BSc BEd, BA BEd from any NCTE recognized institute should have been studied for at least 3 years. ठीक है, 3 सालों तक जो है वो आपने कर रखा हो। BEd और 3 year integrated BEd MEd from recognized university institute, यहाँ पर जो है वो आपने BEd MEd भी अगर कर रखा है, और BEd और 3 year integrated BEd MEd कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET कंडक्टेड बाय CBSE, यहाँ जो है वो बिल्कुल यहाँ लिख दिया है कि आपने CTET जो है वो पास किया होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो नोट में कहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस शुड हैव स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ TGT अगर आपने नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस से आप भरेंगे अगर, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, आर्थोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट, लीस्ट वन सब्जेक्ट जो है वो आपने कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ये जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब जो है चेंज आया है सोशल साइंस में भी। देखिए, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस, सोशल साइंस से अप्लाई अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट जो है वो कहा है, अब ये जो है वो बदलाव है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी और स्टैटिस्टिक, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सहूलियत हो जाती है बच्चों को। कई बार क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई फॉर TGT
मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडी मैथमेटिक एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, इंग्लिश वालों ने इंग्लिश पढ़ा हो। तो ये सभी जो बदलाव हैं, जैसे उम्र जो है वो 30 ईयर कर दी गई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम SST की बात करें तो SST में सबसे ज़्यादा हुआ, यानी एक ही सब्जेक्ट जो है वो कहा गया है कि आपने 2 सालों तक जो है उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ठीक है। ये 2 बहुत बड़े बदलाव जो हैं। तो इतना तो तय है कि ये दिल्ली गजट जो आया है तो अब जो है वो नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्द आ जाएगा, यानी सारे जो रास्ते हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब उम्र को लेकर जो है इन लोगों को सोचना चाहिए कि जो है अभी काफ़ी टाइम के बाद जो है वैकेंसी आउट हो रही है। चलिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को बताऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।